हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में कुछ न्यूमेरिकल। तो कह रहा है कि दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का दूसरा। कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, यानी कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो ये हम मान लें कि माना क्रमागत संख्याएं क्रमशः माना क्रमागत संख्याएं क्रमशः यक्स तथा यक्स प्लस वन है, तो क्या मिलेगा। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये बराबर 306। सॉल्व कर लिया जाए तो ये मिलेगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 306। ये मिलेगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। अब ये देख रहे हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2 है यक्स का। तो गुणनखंड कर लें तो ये हम लिखते हैं कि यदि हम 306 का गुणनखंड कर लें तो ये मिलेगा 17 × 18 और गुणा कर लें तो 18 में 17 का गुणा करेंगे 8 × 56 = 6 और 7 × 1 = 7 5 = 12, 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 और 1 × 1 = 1, ये हो गया 6 0 306। तो ये लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स माइनस 17 यक्स माइनस 306 बराबर 0। अब ये देख रहे हैं कि चार टर्म में ये टूट गया, जब चार टर्म में टूट गया तो हम लगाएं तो यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स एक टर्म में, और यहाँ से माइनस चिन्ह कामन ले लें, या एक बार और लिखते हैं 306 बराबर 0। यहाँ से यक्स कामन ले लें तो ये हो गया यक्स प्लस 18, यहाँ से माइनस, क्योंकि यहाँ यक्स है तो यहाँ भी यक्स होना चाहिए, तो माइनस 17 कामन ले लें तो यक्स प्लस 18 बराबर 0। ये देख रहे हैं कि एक कोष्टक में प्लस है दूसरे कोष्टक में माइनस है, तो यक्स प्लस 18 और यक्स माइनस 17 बराबर 0। अब या तो यक्स प्लस 18 बराबर 0 होगा या यक्स माइनस 17 बराबर 0 होगा। तो यक्स बराबर माइनस 18 होगा, ऋणात्मक होगा नहीं, और यक्स बराबर हो जाएगा 17। तो दूसरी संख्या